क्षमा कीजिएगा प्रताश्री, विनम्रता की भी कोई सीमा होती है। आपको इन सागर देव की आराधना करते हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं, किंतु इन सागर देव को देखिए, आपकी सुनी अनसुनी कर रहे हैं। प्रताश्री, मेरे पास गुरु विश्वामित्र का दिया वो बाण है, जिसे आप सागर देव पर साध कर एक क्षण में उन्हें सुखा सकते हैं। ये लीजिए प्रताश्री, दादी ऐसे सागर देव पर। सागर देव, जिस प्रकार केले का पेड़ सींचने से नहीं काटने से ही फलता है, उसी प्रकार जब मैंने अपना धनुष बाण उठा लिया तब आप आ पहुंचे हैं। हे श्रीराम, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और आप और उसी मर्यादा का पालन करते हुए मैं यहां बैठा 3 दिनों से आपकी स्तुति कर रहा हूं। सागर देव, आपका आवाहन कर रहा हूं। मर्यादा यही कहती है कि यदि कोई याचक दीन होकर सहायता की याचना करने चला आए तो उसकी सहायता करने में 3 पलों का भी विलंब नहीं होना चाहिए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने सत्य कहा। मैं लाख विशाल सही, किंतु मेरे जल में तो लवण भरा है, सभी प्यासे जानते हैं, इसलिए मेरे द्वार पर कोई भी अपनी प्यास बुझाने नहीं आता। मुझे आने में विलंब हुआ, ये उसी लवण का प्रभाव था। मेरे अंतर में तो रत्न भरे पड़े हैं, किंतु कालकूट विष भी मेरे ही अंतर में था। मुझे क्षमा करें, आपके बाण से मेरी विशालता समाप्त हो जाएगी, मैं जलकर सूख जाऊंगा और आपकी सेना पार उतर जाएगी। किंतु मेरे आश्रित लाखों प्राणी जलकर सूख जाएंगे। अब जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करें, मैं शरणागत हूं। हे सागर देवता, मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मेरी ये समस्त सेना सागर के उस पार उतर जाए। हे श्रीराम, वानर सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं। उन्होंने एक महान आचार्य से अपने बाल्यकाल में किसी भी वस्तु के भार को हल्का कर देने की शिक्षा पाई। उनके स्पर्श से और आपके प्रताप से पत्थर जल पर तैरने लग जाएंगे। इस प्रकार एक सेतु बन जाएगा और सेना पार उतर जाएगी। उपाय हेतु धन्यवाद सागर देवता, किंतु मैं लक्ष्मण के इस बाण का क्या करूं? ये तो प्रक्षेपास्त्र है, इसे लौटाया नहीं जा सकता। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे तट के उत्तर दिशा की ओर राक्षसों का एक समूह है जो तपस्वियों का भक्षण करता है। इस बाण का प्रयोग आप उन पर कर दीजिए, इससे क्षेत्र के तपस्वी मुक्त हो जाएंगे और वे नरभक्षी राक्षस समाप्त हो जाएंगे।
ये क्या रहस्य है? आप सबके फेंके हुए पाषाण तो जल के ऊपर तैर रहे हैं, किंतु जो पाषाण मैंने फेंका वो डूब क्यों गया? प्रभु, आप जिसे छोड़ दें वो तो डूब ही जाएगा। तरते तो वही हैं जिन्हें आपके नाम का आश्रय हो। लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। राम अपनी वानर सेना सहित सिंधु सागर पार उतर चुका है।